नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल। पर्व त्योहार के बाद कुछ हल्का खाने का मन होता है और साथ ही साथ जो झटपट बन जाए, तो आज हम बनाते हैं ग्रिल सैंडविच, जो बनाने में आसान है और खाने में भी लाजवाब है। तो चलिए बनाते हैं। हमने लिया है टमाटर और खीरा, और साथ में हमने लिया है ब्रेड, जो कि 8 ग्रेन ब्रेड है। आप कोई भी ब्रेड ले सकते हैं, और टमाटर खीरे की जगह आप इसमें बॉयल पोटैटोज ले सकते हैं, कैप्सिकम ले सकते हैं, अनियन ले सकते हैं। आप जो भी लेना चाहें उन्हें गोल गोल काट लें। और चलिए अब हमने ब्रेड ले लिया, ब्रेड में लगाते हैं बटर। अच्छी तरह मक्खन लगाइए, स्वाद बहुत अच्छा आएगा। और ये मक्खन हम ब्रेड के एक साइड में लगाएंगे, एक डायरेक्शन में, तो मक्खन अच्छी तरह लगेगा। इसके लिए आप मक्खन पहले से निकाल कर फ्रिज से रख लें, नहीं तो बहुत, जब फ्रिज का मक्खन होता है तो अच्छी तरह नहीं लगता है। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो बनाने में बहुत सुविधा रहेगी। और अब हम रखेंगे ब्रेड के बीच में टमाटर। टमाटर के स्लाइस हम हमेशा बीच में रखते हैं, जिससे कि ग्रिल करते समय उसका जो जूस निकले वो ब्रेड में ही एब्जॉर्ब हो जाए। और टमाटर के बाद हम रखेंगे खीरा। हम खीरा ब्रेड के चारों तरफ रख देंगे। और अगर आप आलू रखना चाहें तो आलू के स्लाइसेस, बॉयल्ड आलू के स्लाइसेस आप टोमेटो के ऊपर रख दीजिए। और अगर आप कैप्सिकम कम रखना चाहें तो उन्हें बीच से काट के चारों तरफ रख दीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि इसमें हम प्याज रखें तो आप प्याज को भी छोटे छोटे टुकड़ों में या राउंड स्लाइस में दोनों तरह से रख सकते हैं। खीरा देखिए हमारा लग गया है, बनाने में बहुत ही मजा आता है ये, और घर के लोगों को बहुत पसंद आता है। उनको जो जो सब्जियां पसंद हो उसके हिसाब से आप सब्जी रखाइए, तो आप जो है उसको इंडिविजुअलाइज, आप उसको पर्सनलाइज करके आप सैंडविच बना सकते हैं। और अब इसमें डालेंगे हल्का नमक। इसमें नमक है, काला नमक है, भुना हुआ जीरा है, लेकिन नमक संभाल कर डालिएगा क्योंकि बटर में भी नमक है, चीज में भी नमक है, और साथ ही साथ हम अभी चटनी जो लगाएंगे उसमें भी नमक है। और अब हम सैंडविच के लिए जो दूसरा ब्रेड है उसमें हम लगाएंगे हरी चटनी। ये हमारे धनिया की चटनी, इसमें धनिया है, पुदीना है और सभी मसाले हैं। पुदीना की चटनी और धनिया की चटनी इसके ऊपर लगाइए। और ये हमने 3 पीसेस बनाए हैं बिना चीज़ के, और अगर आपको चीज़ पसंद हो तो चीज़ स्लाइसेस लीजिए और उनके ऊपर एक एक चीज़ के स्लाइस रख दीजिए। और फिर पुदीने का और धनिए की चटनी के को ब्रेड के स्लाइस में रख के उसके ऊपर रखिए। ये सब वेरिएशन आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। और ये हमारे सैंडविचेस ऑलमोस्ट रेडी हैं, और इन्हें अगर आपको शाम को पार्टी हो तो आप सुबह बनाकर इन सैंडविचेस को रख सकती हैं। गीले कपड़े से ढककर आप इन्हें रख दीजिए और शाम के गरम गरम इन्हें ग्रिल कर लीजिए। और चलिए अब हम इन्हें करते हैं ग्रिल। हमने एक ग्रिलर लिया है, कोई भी ग्रिलर यूज कर सकते हैं, नहीं हो तो तवे पर भी आप हाथ से दबा के कर सकते हैं। अब ग्रिल करने के पहले दोनों आउटर सरफेस पे थोड़ा बटर लगा दीजिए। ये देखिए आउटर सरफेस पे बटर लगाइए और दोनों साइड में बटर लगाइए, इससे अच्छा गोल्डन क्रिस्प होकर आएगी सैंडविच। और इसके बाद आप इसे किसी भी एंगल में काट सकते हैं, मैंने ट्रायंगल में काटा है, और ट्रायंगल में काटिए और सॉस के साथ सर्व कर दीजिए। बस आपका रेडी है बनके सैंडविच। आप लंच में एक डिश के साथ भी सर्व कर सकते हैं और सिर्फ सैंडविच भी सर्व कर सकते हैं। तो चलिए खाइए, खिलाइए, मेहमानों को बुलाइए, और अगर पसंद आया हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।